हेलो। हाँ भैया, भैया आपकी शॉप पे बैठे थे, लेने ही आए थे, तो हो गया पूरा ये? अच्छा, बाबा जी भी साथ में थे, आप कुछ बता देते ना उस दिन की, मतलब कि इसमें कुछ तोड़ फोड़ छेड़छाड़ी की गई थी ऐसा कुछ? हाँ। तो क्या दिक्कत हो गई थी इसमें? इसमें हार्ड डिस्क की खोली गई थी। अच्छा, हार्ड डिस्क खोली गई थी, इसमें डाटा रखते हैं। हाँ। अच्छा, तो उसी वजह से कुछ इसमें दिक्कत हुई है, वो हो भी? वो सॉल्व हुआ है, इसी वजह से बोल बैठा। अच्छा, मतलब हार्ड डिस्क खोलने की वजह से पूरा हमारा इतना खर्चा आया है। हाँ, मतलब हार्ड डिस्क जो खोली गई थी जी, उसको सॉल्व कराया गया था, पता चली थी आपको तार जला। तार मतलब वो जानबूझ के जलाया, मतलब इस तरह का, फिर अपने आप भी जानबूझ के हो गया भैया। अच्छा, खुली तो थी ही। अच्छा, जानबूझ के जलाया। अच्छा ठीक है, बस मुझे अभी कन कर। तो आप कितना बताइए, कितना देना है फिर? आप सब अभी लेके जा रहे हैं फिर? सही बताइएगा कम, ये लोग इसमें हमको मतलब लोग चंदा लगा के दे रहे हैं। हाँ भैया, मतलब सब लोग उनकी मदद ही कर रहे हैं चंदा लगा करके, तो आप बताइए अपने हिसाब से। आपका भी सहयोग हो जाए, सहयोग हो जाए, और काम आप देख ही रहे हैं। अरे ऐसे तो 5500 रुपये हो गया जी। जी, 500 रुपये दीजिए आप, 5 नहीं ले रहे हैं कुछ, कई सामान सामान और कुछ रियायत नहीं हो पाएगी भैया? अच्छा, अभी मतलब चलाएंगे, परफेक्ट चलेगा ना? अरे कोई गारंटी का इसमें? एक साल का भी आप गारंटी का बताया था, उसका कोई कार्ड वार्ड मिलेगा क्या, गारंटी कार्ड वैसा? अच्छा ठीक है, तो पूरे 5 दे दिया जाए? 5, हाँ 5 बोल रहे हैं। अच्छा, अरे हो नहीं, ये जानबूझ के ऐसा हुआ ही है। अच्छा खासा काम कर रहा है, और जो लड़का बंद करके जा रहा है, तो इसमें शुरू में उसने कुछ छलखानी किया है, ताकि हम दूसरों को बुला के इस पर काम न करावें। बाबा जी का जानते होंगे, बंदर खिलाते हैं आप, देखते होंगे यूट्यूब पर, श्याम साधु यूट्यूब पर, हमें तो 12,500 करीब करीब हमारे वीडियो पड़े हैं यूट्यूब पर। तो वही हम लोग सीडी इनकी पुरानी वही डाला करते हैं सब लोग जब भी टाइम मिलता। साथ ही साथ एक जानकारी और बता दें, 4.5 लाख सब्सक्राइबर भी हैं इनके। एक जानकारी और दे रहे हैं कि मेरे ऊपर 1 करोड़ का इनाम रखा हुआ है, अगर ये हिंदुस्तान का हिंदू नहीं जानेगा तो क्या पाकिस्तान वाले जानेंगे? बताइए दादा, कभी जो तो हिंदू के लिए थे तो हम लोग खड़े हैं। 1 करोड़ का अगर आप लोगे जी, जी तो हम लोग कट्टर हिंदू हैं बिल्कुल हो नहीं। जो कट्टर का मतलब जानते हैं क्या है? खाली हिंदू, आप 24 कैरेट के मनुष्य हैं बस, जो 24 कैरेट का है वही कट्टर होगा, वही कट्टर होगा, और जिसमें मिलावट होगा वो कट्टर नहीं होगा, वो कट्टर ही होगा जिसमें 24 कैरेट का होगा। आपको जी, तो आपको मालूम होना चाहिए, अब जब आपने छत्ती का नाम लिया है, आप भी चौहान साहब हैं? तोमर है जी। तो अच्छा, ये तोमर सिंगर बहुत कम होते हैं ना? हाँ, राजस्थान जी, जी राजस्थान में हम लोग से बड़ा आता है हड़वा जादुआ जी, जी जी, वो यहाँ पे दरअसल जब सूखा पड़ा था राजस्थान में, हाँ हाँ, तो हम लोग पूरे पलायन किए वहाँ से, भिंड मुरैना, हाँ हाँ, भिंड मुरैना हम लोग का मेन गढ़, हाँ जी, फिर वहाँ से फिर धीरे धीरे आए यहाँ बाराबंकी। अच्छा, बाराबंकी में हमारे कुछ जो होते हैं जो कम, यहाँ जो बैसवारा है जी, ये लोग थोड़ा गाँव हम लोग का रामपुर कला पड़ता है, अच्छा, कला जी, यहाँ पे कुछ बैसवारा, यहाँ कुछ बैसवारा था, तो पारिवारिक विवाद था, बाराबंकी ये लोग आए, तो हम लोग को यहाँ से हम लोग पूर्वजों को इन्होंने कहा कि आपको वहाँ जमीन होगी खेती के लिए, बल्कि वहाँ पे सूखा पर हम लोग जमीन अभी है वहाँ पे भिंड मुरैना में, राजस्थान में कुछ जमीन है, तो उन्होंने बोला आप हम लोग की तरफ रक्षा कीजिए, क्योंकि यहाँ पर भाई भाई मतलब कुछ पारिवारिक विवाद था पैसों में, तो उन्होंने कहा कि हमारे को जमीन नहीं, आप खेती करिए, बल्कि आप हमको मतलब थोड़ा प्रोटेक्ट करिए, ये बात हुई। तो तब से हम लोग पूर्वज वहाँ पे बस गए, और हमारे बाबा जी इसमें ITI गवर्नमेंट ITI जो पूरा गर्वनी में अभी 2006 में रिटायर हुए थे। अच्छा,
अच्छा तो ये होता है भाई, देखिए क्वालिटी का बड़ा प्रभाव पड़ता है बहुत। अब ये लोग नहीं गए, खून बोलता है। तो राजस्थान का जो है वो 24 कैरेट वाले, समझ गए, ये 24 कैरेट में आते हैं। फिर जैसे जैसे आप यूपी के अंदर घुसेंगे और पूर्वांचल अगर जाएंगे तो उनके अंदर धार्मिक भावना तो रहेगी, धार्मिकता तो है, लेकिन कट्टरता नहीं रहेगी। अरे महाराज ये न भूलिए, ये न भूलिए कि पूरे भारत में आप ही लोगों का एक छत्र राज्य था और राज करना आपके खून में है, खून में है। आपको ताजुब होगा मैं ब्राह्मण हूँ, दुर्गा मार्केट हम ही लोगों का है। नहीं एक मिनट, जितना हमारे मददगार हैं जितना भी वो सब क्षत्रिय समाज के हैं, तो मैंने भविष्यवाणी किया है कि एक वक्त आवेगा, चाहे जब आवे लेकिन आवेगा कि आप लोग फिर से राज करेंगे। इसलिए करेंगे नहीं, इसलिए करेंगे कि इंसाफ करना आप लोगों के खून में है। और जो हमारी बिरादरी है इनके बारे में एक श्राप है, इसमें जो छेड़खानी हुई है वो ब्राह्मण है, वो भी मिश्रा है, और वो भी आपका ज्यादा दूर नहीं पड़ोसे में है। कितनी उसको लालच, कितनी लालच। लेकिन हमारा मतलब है कि आप जब फिर कभी बैठेंगे, हम पूरा किस्सा आपको बताएंगे, तो आपके होश उड़ जाएंगे कि अरे क्या ये रायबरेली की घटनाएं हैं। लेकिन मैं प्रमाण की मैं बात करूंगा, और ज्यादा नहीं कि वो खाली सहाट हो, नो, आपके पड़ोस में आप जहाँ बैठेंगे हम वहीं पर आपके पड़ोस में ही निकाल देंगे। बस 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 जी हमेशा जी जी, हम लोगों ने किसी को माना ना माना हो हमेशा रक्षा की है, किया है, सब कुछ किया है। बिल्कुल आज भी करते हैं, आज भी करते हैं। आज भी अगर ठाकुर किसी सगा है, ब्राह्मणों बात आ जाती है तो ब्राह्मण ठाकुर एक हो जाते हैं, एक हो जाते। लेकिन उनमें से कुछ ब्राह्मण ऐसे, अरे बाप रे बाप, कुछ वहां न पूछिए। तो अब यहाँ जैसे आपके प्रेम नारायण द्विवेदी हैं, प्रेस क्लब के अध्यक्ष, अब इनसे अगर कभी आप फोन से बात करें और जब उन घटनाओं के बारे में वो बताएंगे तो आपको सुनकर बड़ा ताज्जुब होगा। इसलिए कि जो मैं कर चुका हूँ, या मैं अभी देखिएगा यूट्यूब पे है ना आपको, आप यूट्यूब जब मौका मिले तो आप देखिए। मैं क्षत्रियों का बहुत बड़ा भगत हूँ, बहुत बड़ा सुचिंतक हूँ, और जितना रायबरेली में क्षत्रिय है वो सब हमारा मित्र है। हमारे ऊपर 1 करोड़ का इनाम रखा ठाकुर रत्नेश्वर सिंह ने, वो एक उससे जुड़े हुए हैं, स्टेट से जुड़े हुए हैं, राजघराने से जुड़े हैं, मतलब ठाकुर राम सिंह। अभी अब देखिए हम कभी बैठेंगे तो आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा कि ये बाबा जी बड़े विचित्र हैं कि हमारी बिरादरी का आदमी हमसे कोई से लेना देना नहीं है ना। ने तो जात हटा दी नाम से ना, है? जात हटा दी आपने तो नाम, हमने नाम के आगे से जात को हटाया, इसीलिए हमको फिर पैदा हो गई। तो देखो महाराज, जिसके जो नेचर में होता है वही करता है। हमारे भारत में तपस्या के मामले में ब्राह्मणों की बराबरी कोई नहीं कर सकता। अच्छा सुनिए, और राज करने के मामले में न्याय, अभी आप इनसे बातें अगर थोड़ी देर करें, इतने न्यायप्रिय हैं ये ब्राह्मणों, काम दे पूजा करना अच्छे से, उनका पूरी सम्मान था वो है ना, जब लालच में लग गया हम ये भी ले लें, वो भी ले लें, वही चीजें। बस कई सारी वेद कई सारे हम लोग को मंत्र अभी पता ही नहीं है, पता नहीं जो की है, जो मेन देखिए हमेशा से
भगवान और इंसानों के बीच में एक मेन जो माना गया है वो ब्राह्मणों का है। ब्राह्मणों का माना गया। ब्राह्मणों को जितने मंत्र पता थे, जितने वेद पता थे, उन्होंने सामान्य इंसान को पता ही नहीं, नहीं था। हाँ, इसीलिए आधे ज्यादा वेद आधे ज्यादा कुरान सब ऐसे खत्म, ऐसे खत्म हो गए। धंधा बना रखे किसको पाए लूटने बस लूटे रहो लूटे रहो। धार्मिक स्थल चले जाइए आप, इलाहाबाद चाहे ब्राह्मणों का गलत है, लेकिन एकदम व्यापार और कहीं दया नाम की चीज नहीं है। भिक्षा तो होती थी, हमेशा ब्राह्मणों का ये था कि पहले वो रहते थे भिक्षा पे, भिक्षा या फिर दान धर्म। इनका काम ही शिक्षा और भिक्षा, बस दान खाना और शिक्षा देना। देखिए अब ये कलिकाल है ना, तो कलिकाल में मामला बढ़ने लगा, तो ब्राह्मण मुर्गा भी बेचने लगा, अंडा भी बेचने लगा, हर तरह के नशे करने लगा। और इनको श्राप है, पद्म पुराण में लिखा है कि ये कभी एक नहीं होंगे, नहीं ये जान जाइए। ये जो आज हमारे 5,000 को चुनना लगा है, एक ब्राह्मण की ही देन है। उसी ने इतना लालची है कि हाल ना पूछिए आप। कभी उम्र छोटा है, 20-21 साल का हो। हाँ, इतना लालची की अरे बाप रे बाप। हम लोग के अंदर क्या है भैया, मैंने क्यों कहा कि सिंहों का राज था और सिंह एक बार फिर राज करेगा, चाहे जब करे लेकिन एक बार फिर नहीं, इतिहास दोहराता है। आप लोगों के नेचर में है, स्वभाव में है, जब स्वभाव में राज करना, तब राज करना। आप लोगों बताओ, महाराणा प्रताप को देखिए, घास के रोटी खाए लेकिन झोंके नहीं, और नहीं आज क्या हो रहा है, आज उनके बलिदानों को भूल गया है, उनके नाम पे नेतागिरी धंधा सब हो रहा है, बस उनके नाम से हो रहा है। एक दिन दो पोज के बैठा देंगे, 364 दिन जाए भारत, कोई बात बस जयंती के दिन देख लो भैया, इसका है ना कितना 5 बस पूरे देना है, 5 नहीं, आप आपको 5 बोले हैं क्या? समझ नहीं पाते, 5 हमें लगा देगा, पूछ कंफर्म कर लीजिए। अच्छा अच्छा, विंडो नहीं लेंगे। हाँ विंडो, ये तो बोले थे विंडो, आप कर लीजिए खुद ही, मतलब कंफर्म कर लो, अपने आप ही देख लो भैया, थोड़ा सा आप कर लो मदद, ये सब धर्म का ही काम है, पूछ लो आप अपने हिसाब से बात कर। इसमें केवल धर्म का ही काम होना, हम लोग ऐसी जगह बैठे ना, मार्केट के बैठे हैं, समझ रहे हैं। कितना लेना है और कुछ हो पाएगा? चलिए, जय हो जय हो जय हो सिंह साहब, जय। चलिए देखिए, यही भावना है और कहीं कुछ नहीं है, लेकिन एक बड़ी चीज है। अभी कहाँ देखो, कमीनापन लखनऊ जाएगा, अरे लखनऊ जाते जाते पता नहीं क्या करता, लेकिन इतना भयानक उनको श्राप लगेगा, इतना भयानक लगेगा कि आप देख लीजिएगा। मैंने पहले कह दिया, इतना भयानक इस आदमी को लगेगा, जब लगेगा तब इसको पता लगेगा। चलो जय।